हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा बेडरूम मेकओवर, जिसके लिए मैं बेड कवर्स चेंज कर रही हूँ, पिलो कवर्स, और सारा क्लीनिंग करूँगी। सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बेडरूम्स के सारे कर्टन्स को पहले ही चेंज कर लिया है, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जाता वीडियो। फ्रेंड्स, शेयर माई ब्लॉग्स टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एज मच एज़ पॉसिबल। जितना हो सके मेरे ब्लॉग्स को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। ये बेडशीट को मैं कोलकाता से लेके आई थी 1 साल पहले। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही पसंद आया था। इसमें 2 पिलो कवर्स हैं, 1 हार्ट शेप कुशन है विद कवर, एंड 2 स्मॉल कुशंस भी है विद कवर। आपको ये बेड कवर कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बेडशीट बिछाते समय मैं 4 कॉर्नर्स में नॉट बांध देती हूँ। नॉट बांधने के बाद मैट्रेस के नीचे उसे दबा दें। उसके बाद आप चारों तरफ अच्छे से टक कर दें, अच्छे से मैट्रेस के अंदर बेडशीट को दबा दें। इससे आपका बेडशीट बिल्कुल रिंकल फ्री रहेगा। चाहे बच्चे इस पर कितना भी खेले कूदे, आपका बेडशीट में बिल्कुल भी रिंकल नहीं आएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेस्ड रहता है। ये ट्रिक ज़रूर आजमा के देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। ये कर्टन्स को मैंने घर में ही बनाया है साड़ी से। 1 साड़ी से 2 डोर साइज कर्टन तैयार हो जाता है। तो मैंने सेम कलर के, ऑलमोस्ट सेम कलर के 3 साड़ियों से 6 कर्टन्स तैयार किए घर में, और उसमें मैंने लाइलिन भी लगाया है येलो कलर का। ये कर्टन्स मैंने लिविंग रूम में लगाया था। अगर आपने नहीं देखा मेरा लिविंग रूम मेकओवर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। मैं चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स का भी क्लीनिंग करके सारा सामान को निकाल के फिर उसमें नया रनर बिछाऊंगी। ये रनर भी मैंने घर पे ही बनाया है साड़ी से बचा हुआ कपड़े से, और घर में ही रखा हुआ था लेस वगैरह, लेस लगा के और टैसल्स बना के मैंने इसे डेकोरेट किया है। ये बॉटल आर्ट ब्लॉग भी मैंने शेयर किया है अपने चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। एंड नाउ द फाइनल लुक। ये बैम्बू बास्केट्स को भी मैंने घर पे ही पेंट किया है, और डबल साइडेड टेप की मदद से इसे वॉल पे हैंग किया है। बेडरूम के बाहर वाले वॉल पे मैंने इसे डेकोरेट किया है। आपको मेरा बेडरूम मेकओवर कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इससे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है आपके कमेंट से मुझे। मैंने कलर थीम को फॉलो करके अपने बेडरूम का मेकओवर किया है। मैंने कोशिश की है, मैंने बेस कलर येलो रख के अपने बेडरूम का मेकओवर किया है। आई होप आप लोग को पसंद आएगा मेरा बेडरूम मेकओवर। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा मैंने मेकओवर किया है अपने बेडरूम का। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी100। एज़ यू ऑल नो, मैं कंपनी प्रोवाइडेड घर पे रहती हूँ, जिसमें मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस कर नहीं सकती। जितना हो सकता है मैं उसे मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, और उसी में मैं उसे डेकोरेट करती हूँ।
इस कॉर्नर में एक सिरेमिक पॉट पे मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा है जिसका रेड फ्लावर येलो के साथ एकदम खिल रहा है। घर के किसी कॉर्नर में अगर आप रियल प्लांट से घर को डेकोरेट करें तो आपके डेकोरेशन में चार चांद लग जाता है। ये एक परफ्यूम बॉटल है जिसे मैंने रीयूज़ किया है और उस पर मैंने मनी प्लांट रखा है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एक ग्लास बॉटल है जिस पे मैंने बैम्बू प्लांट रखा है। ग्लास बॉटल पे मैंने फ्रूट रैपर जो फोम नेट होता है उसे मैंने इसमें यूज़ किया है एंड यू कैन सी द ब्यूटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे एट होम।